नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। पिछले लेक्चर में हमने सिंचाई, पशुपालन और कृषि से संबंधित प्रश्नों को हल किया था और देखा था कि उस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न CGPSC में पूछे जा सकते हैं। ठीक, आज के लेक्चर में हम वन, वन्य जीव एवं अभयारण्य से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक से CGPSC में जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछा गया है। अगर आप पूर्व वर्षों के पेपर को आप उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग तरीके से एक ही सवाल को CGPSC में बार बार पूछा गया है। मतलब कि यहाँ पर पूर्व वर्षों के प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को आपको बहुत ही ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना है इस टॉपिक से संबंधित। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि किन किन पहलुओं को हमें ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक की तैयारी करनी है। अगर आज जो हम सवाल डील करने जा रहे हैं, अगर ये सवाल आपसे बन जा रहे हैं तो फिर आप ये समझ जाइए कि आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो पहला सवाल है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.21% वन क्षेत्र है। हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर वन बाय वन करके समझेंगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन आवरण नारायणपुर जिले में है। तीसरा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त बस्तर वन वृत्त है। और चौथा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, ये निगम है, ठीक है, निगम की स्थापना मई 2005 में की गई है। यहां पर प्रतिशत में लिख लीजिए, प्रतिशत में। ठीक, अब हम इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट है कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.21% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये वन क्षेत्र क्या होता है। तो कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसे सरकारी अभिलेख में वन क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया हो तो उस क्षेत्र को वन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? 135192 किलोमीटर स्क्वायर। और इस टोटल एरिया के 59772 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को वन क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 135192 स्क्वायर किलोमीटर और इसके अंतर्गत 59772 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 44.21% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि सर्वाधिक वन आवरण नारायणपुर जिले में है। तो पहले हम ये समझते हैं कि वन आवरण क्या है और वन आवरण और वन क्षेत्र में क्या अंतर है। ठीक, तो वन आवरण वह सभी भूमि जो कि एक हेक्टेयर से जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, जो एक हेक्टेयर से बड़ा है और इस भूमि में 10% से अधिक वृक्षों का घनत्व है, ऐसे क्षेत्र को वन आवरण कहा जाता है। दो क्राइटेरिया क्या क्या? कि वो जो भूमि है उसका एरिया एक हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए और उसमें वृक्ष का घनत्व 10% से ज्यादा होना चाहिए, तो उस क्षेत्र को वन आवरण के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए, इसमें उद्यान भी आ सकते हैं, ठीक है, उद्यान भी आ सकते हैं, या फिर ऐसा कोई बांस का जंगल, वो भी आ सकता है। मतलब कि यहाँ पर हम इमेज से समझते हैं, ये देखिए, ये सभी के सभी वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं इसे छोड़कर। देखिए, ये अत्यंत सघन वन है जहां पर वृक्षों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये सामान्य सघन वन है जहां पर वृक्षों की डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब
जहां पर दो वृक्षों के बीच का गैप बहुत कम है तो उसका घनत्व अधिक होगा, और दो वृक्षों के बीच का गैप अगर ज्यादा है तो घनत्व कम होगा। ठीक, तो ये सामान्य सघन वन है और ये जो है खुले वन के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रहे हैं खुले वन का। ठीक, तो ये तीनों क्षेत्र मिलकर वन आवरण बनाते हैं, और ये है झाड़ियां। झाड़ियां वन आवरण के अंतर्गत नहीं आता। इस तीनों प्रकार की भूमि जो है वो वन आवरण के अंतर्गत आती है। और छत्तीसगढ़ के 55610.57 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में वन आवरण है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 41.14% है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, समझ में आया? क्या समझना है आपको कि वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में अंतर है? ठीक है, जरूरी नहीं इन क्षेत्रों को वन क्षेत्र घोषित किया जाए। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वन आवरण अलग होता है, वन क्षेत्र अलग होता है। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 44.21% क्षेत्र वन क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 41.14% क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर वन आवरण का कैलकुलेशन अलग प्रकार से होता है और वन क्षेत्र का अलग होता है, लेकिन जरूरी नहीं ये दोनों क्षेत्र एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे ज्यादा वन आवरण किसका है? तो सबसे ज्यादा वन आवरण नारायणपुर जिले में है। प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखें तो नारायणपुर जिले में सबसे ज्यादा वन आवरण है। लगभग 81.59% क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है, और सबसे कम वन आवरण जांजगीर चांपा जिले का है। जांजगीर चांपा जिले में 3.89% क्षेत्र ही वन आवरण के अंतर्गत आता है। ठीक, इसका तात्पर्य यह है कि एक हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल की ऐसी भूमि जहां पर वृक्ष का घनत्व 10% से ज्यादा है, वो केवल और केवल लगभग 4% भूमि ही है जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा वन आवरण नारायणपुर जिले का है और सबसे कम जो है वो जांजगीर चांपा जिले का है प्रतिशत में। ठीक, अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त बस्तर वन वृत्त है। अब वन वृत्त किसे कहते हैं इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये एक प्रशासन की इकाई है। अगर हम वन प्रशासन के बारे में बात करें तो एक तरफ विभाग लिख लेते हैं और एक तरफ विभाग प्रमुख लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा विभाग है वन मंत्रालय, जिसका प्रमुख वन मंत्री होता है। इसके अंडर में सचिवालय, जिसके प्रमुख प्रमुख सचिव होते हैं। ठीक है, इसके अंडर में राज्य वन विकास निगम होता है, जो कि राज्य में एक है। ठीक है, इसके प्रमुख होते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF, और इसके अंडर होता है वन वृत्त, जो कि टोटल छत्तीसगढ़ में 6 हैं और इसके प्रमुख हैं मुख्य वन संरक्षक अधिकारी। ठीक है, CCF। ठीक, तो यहां तक समझ में आया? यहीं तक की चर्चा करते हैं। तो ये जो एरिया है ना छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्र है 59772, इसी क्षेत्र को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 वृत्तों में डिवाइड किया गया है, और वहां एक एक प्रशासनिक प्रमुख को बिठाया गया है जिसका नाम है मुख्य वन संरक्षक अधिकारी। ठीक है, अब ये वन वृत्त कौन कौन से हैं? तो ये वन वृत्त हैं, यहां पर ऊपर देखिए। ठीक है, ये वन वृत्त है बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, कांकेर,
रायपुर और दुर्ग। छह वन वृत्त हमने देखा है, तो ये छह वन वृत्त हैं पांच संभाग। पांच संभाग मतलब सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और एक है कांकेर का वन वृत्त। ठीक है, पांच संभाग के नाम ध्यान में रखिएगा और एक कांकेर वन वृत्त का नाम ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर इन्हें बांटा गया है। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितना है? 59772। इसी वन क्षेत्र को छह वृत्तों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर का है, उसके बाद फिर बस्तर का है। ठीक, उसके बाद सरगुजा, देन कांकेर, फिर रायपुर और दुर्ग। दुर्ग वैसे भी वहां पर वन क्षेत्र बहुत ज्यादा कम है, न्यूनतम वन क्षेत्र दुर्ग का है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि वन वृत्त भी सबसे कम किसका होगा? दुर्ग का होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वन वृत्त बिलासपुर में है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है। चौथा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम की स्थापना मई 2005 में की गई थी। तो नहीं, मई 2005 में नहीं की गई थी, मई 2001 में चार वन परियोजना मंडल के साथ की गई थी। ठीक है, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसी की बात की जा रही है। ठीक, लेकिन वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के आधार पर अभी 9 वन परियोजना मंडल है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ये आंकड़े कभी कभी CGPSC में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल है, तो ध्यान में रखिएगा। अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के आधार पर मैं बता रही हूँ कि अभी वर्तमान में 9 है। ठीक, तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक और दो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और तीन और चार ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और हमें क्या चुनना है? सही कथन को चुनना है। तो एक और दो कथन सही है, इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो कुछ बेसिक जानकारी जो वन से संबंधित हमें रखनी है और जहां से सवाल पूछे जाते हैं, हमने सबकी चर्चा कर ली। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135192 है। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 44.2% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में अंतर होता है। वन आवरण के प्रतिशत की बात करें तो 41.14% क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। अच्छा हाँ, रैंकिंग भी देख लेते हैं। भारत में वन क्षेत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है और वन आवरण के आधार पर छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है? ये जो डेटा लिया गया है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आधार पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का रैंक फोर्थ है और वन आवरण के आधार पर छत्तीसगढ़ का रैंक थर्ड है। कैसे? तो वन क्षेत्र के आधार पर भारत में सबसे पहला रैंक है मध्य प्रदेश का। कितना है वन क्षेत्र ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भारत में किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा और चौथा रैंक छत्तीसगढ़ का है। लेकिन वन आवरण के दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ का रैंक थर्ड है, तो पहला रैंक है मध्य प्रदेश का, दूसरा रैंक है अरुणाचल प्रदेश का और तीसरा रैंक है छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो ये भी रैंकिंग भी आप ध्यान में रखिएगा, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें रैंकिंग ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है ये ध्यान में रखना है, वन आवरण कितना है और वन आवरण का प्रतिशत कितना है ये ध्यान में रखना है, सर्वाधिक वन आवरण किस जिले का है और सबसे कम वन आवरण किस जिले का ये भी ध्यान में रखना है। हमको वन वृत्त भी ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ में कितने वन वृत्त है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है, और नीचे छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के बारे में भी हमें जानकारी रखनी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है। ठीक, ये है छत्तीसगढ़ का मैप, जहां पर जो डार्क ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, ये जो डार्क ग्रीन कलर का ये जो एरिया है ये है अत्यंत सघन वन। ठीक, जो लाइटर पोर्शन दिख रहा है
लाइटर पोषण सामान्य सघन वन को शो कर रहा है, और जो येलो कलर है यहाँ पर देखिए येलो कलर है, ये थोड़ा थोड़ा येलो कलर है, ये खुले वन को शो कर रहा है, और रेड कलर झाड़ियां को शो कर रही है जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम प्रतिशत है, झाड़ियां बहुत कम है। ठीक, अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, कथन, छत्तीसगढ़ में 50% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं और कारण, यहाँ पठारी और पहाड़ी भागों की अधिकता है। तो देखिए यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उसका कारण तो यही है कि यहाँ पठारी और पहाड़ी भाग ज्यादा है, मैदानी भाग कम है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, उत्तर में पठारी क्षेत्र है, दक्षिण में भी पठारी क्षेत्र है, बीच में मैदानी हिस्सा है, उसमें भी जो सीमाएं हैं वहां पर उच्च भूमि है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पठारी और पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, इन भागों की अधिकता है, इसी कारण से यहाँ वन ज्यादा पाए जाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन क्या कथन सही है छत्तीसगढ़ में 50% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? तो नहीं, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र कितना है? 59772 किलोमीटर स्क्वायर। जब भी आप आंकड़े याद करें ना, तो ये आप 59772 इस प्रकार से याद मत कीजिए, नहीं याद होगा। ठीक है, कितने आंकड़े आप याद रखेंगे? आपको क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल याद रखना है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, फिर वन का क्षेत्रफल, फिर जनजाति बहुलता, फिर जाति बहुलता, बहुत सारे आंकड़े होते हैं, तो आप इसे लाख और हजारों में याद नहीं रख सकते। ठीक, तो आप ऐसे इसे नंबर्स में याद रखिए। तो कथन जो है वो गलत है, लेकिन कारण है ये सही है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, कथन कारण दोनों सत्य है एवं कारण कथन को स्पष्ट करता है। नहीं, दूसरा क्या है? कथन कारण दोनों सत्य है परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, कथन सत्य है पर कारण गलत है। नहीं, चौथा ऑप्शन है, कथन गलत है पर कारण सत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथन तो गलत है लेकिन कारण सत्य है, यहाँ वन पाए जाते हैं उसका। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी के योगदान की प्रवृत्ति 2017-18 से 19-20 में क्या रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए बढ़ने की, बी घटने की, सी स्थिर रहने की, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2017 से लेकर 2019-20 अग्रिम आंकड़ों की बात करें तो यहां पर वृद्धि हमें पहले घटते क्रम में दिखी और उसके बाद फिर बढ़ते क्रम में दिखी। ठीक, लेकिन अगर हम हिस्सेदारी की बात करें, प्रतिशत हिस्सेदारी की, तो ये हमें घटने की ही दिखती है। ये पैटर्न ध्यान में रखिएगा, आंकड़े आपको याद नहीं रखने हैं, हर वर्ष के आंकड़े याद नहीं रखने हैं, लेकिन पैटर्न कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो वृद्धि में हम देख रहे हैं कि पहले घटी और उसके बाद बढ़ी, और हिस्सेदारी की बात करें तो ये घटने की हमें दिखती है। 2019-20 अग्रिम आंकड़ों की बात करें तो वृद्धि कितनी हुई? तो वृद्धि हुई 0.79%, और अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो हिस्सेदारी है 2.91%। ये आंकड़े आपको ध्यान में रखना है, 2019-20 के अग्रिम आंकड़े आपको ध्यान में रखना है, बाकी जो पीछे के आंकड़े ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि आपको इसका पैटर्न ध्यान में रखना है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घटने की हमें दिख रही है, हिस्सेदारी लगातार कम होते जा रही है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में निम्न में न्यूनतम अरण्य क्षेत्र किस वन का है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए साल वन, बी सागौन वन, सी मिश्रित वन, और डी बांस वन। तो पहले हम ये समझते हैं कि वनों को अलग अलग आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अगर हम वनों के वर्गीकरण की बात करें तो अभी दो ही आधार देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी दो ही आधार देखते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि वनों का वर्गीकरण तीन आधार पर किया गया है,
लेकिन अभी मैं यहाँ पर केवल दो ही आधारों की चर्चा कर रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो प्रशासन एवं प्रबंधन के आधार पर देखेंगे और दूसरा प्रजाति तत्वों के आधार पर। तो प्रशासन एवं प्रबंधन के आधार पर इन वनों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। और प्रजाति मूल्यों के आधार पर हम देखें तो इन्हें भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, साल, सागौन और मिश्रित वन। साल का वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबुस्टा और सागौन का टेक्टोना ग्रांडिस। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि जो ऑप्शन में दिए गए ना, साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन, ये हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कि इन वनों को प्रजाति तत्वों के आधार पर इस प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं और इसका कुल वन क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो आरक्षित वन उन वनों को कहा जाता है जिसे भारत वन अधिनियम या अन्य राज्य वन अधिनियम में आरक्षित वन घोषित किया गया हो, मतलब उसके प्रावधानों के अनुसार एक ऐसा क्षेत्र जहां पर, जिस क्षेत्र को आरक्षित वन के रूप में दर्शाया गया हो। अब यहां पर इन्हें विशेष आरक्षण दिया जाता है, यहाँ पर आप बिना किसी अनुमति के कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इवन यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, मतलब कि ये क्षेत्र सामान्य लोगों के लिए प्रतिबंधित होता है और बिना किसी अनुमति के आप इस वन को उपयोग नहीं कर सकते। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन संरक्षित वन किसे कहते हैं, वही भारत वन अधिनियम या फिर अन्य राज्य वन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ये कोई क्षेत्र है जहां पर आप सीमित मात्रा में उस वन का उपयोग तो कर सकते हैं जब तक कि उस क्षेत्र में कोई प्रतिबंध ना लगा दिया जाए। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ये क्षेत्र पहले से ही प्रतिबंधित है, अगर आपको इसे उपयोग करना है तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा, लेकिन ये क्षेत्र यहाँ पर आप सीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वन प्रशासन ने उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया तो फिर आप उस क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकते। और अवर्गीकृत वन, ये अवर्गीकृत वो वन है जिस जो कि वन क्षेत्र के अंतर्गत तो आता है, लेकिन इस भूमि को ना ही आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया और ना ही संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, तो ये अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। अब प्रजाति मूल्यों के आधार पर तीन भागों में इस वन क्षेत्र को फिर से बांटा गया, तो ये क्या है, साल, सागौन और मिश्रित वन। जहां पर जिस वन क्षेत्र में साल प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं वहां पर साल वन रखा गया, सागौन प्रजाति के वृक्ष जहां पाए जाते हैं उस भूमि को सागौन वन कहा गया, और मिश्रित वन जहां पर साल और सागौन के अतिरिक्त प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं उसे मिश्रित वन के अंतर्गत रखा गया। तो कुल वन क्षेत्रफल के अंतर्गत इनके प्रतिशत देख लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, CGPSC में मैथ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है। तो देख लीजिए, आरक्षित वन का प्रतिशत है 43.13। ये जो आंकड़े हैं ये आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के आधार पर लिए गए हैं और आपको यही डेटा याद रखना है। संरक्षित वन 40.22%, अवर्गीकृत वन 16.65%, मिश्रित वन 43.52% और साल वन 40.56% और सागौन वन 9.42%। तो ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको याद रखने के लिए कोई ट्रिक चाहिए तो आप एक काम कीजिएगा, इसके सीक्वेंस को बदल दीजिएगा, मिश्रित वन को ऊपर लिख लीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा, सिमिलर आंकड़े आपको दिखने लगेंगे। आरक्षित वन के 43.13 तो मिश्रित के 43.52%, यहाँ पर संरक्षित के 40.22 तो यहाँ पर आपको साल के दिखेंगे 40.56, अवर्गीकृत के 16.65 तो सागौन के आपको दिखेंगे 9.42%। तो हम वापस आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा गया है, न्यूनतम अरण्य क्षेत्र किस वन का है। तो यहाँ पर देखिए, हमने साल का देखा तो साल का तो 40% है, सागौन का हमने देखा 9.4
43.42% है, मिश्रित वन देखा 43.52% है। तो न्यूनतम अरण्य क्षेत्र किसका है? तो न्यूनतम अरण्य क्षेत्र सागवान वन का है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस प्रमुख राष्ट्रीय वन उत्पाद का संग्रहण किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए हर्रा, बी साल बीज, सी महुआ और डी तेंदुपत्ता। इसका जवाब तो आप सभी को पता होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ के गौड़ या लघु वनोपज के अंतर्गत सबसे प्रमुख वनोपज है तेंदुपत्ता, और छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग मतलब कि जनजातीय अंचल में इसका संग्रहण भी किया जाता है, और वर्तमान में 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा के दर पर, प्रति मानक बोरा के दर पर इसे बेचा भी जाता है। ये है भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ध्यान में रखिएगा, अभी तेंदु पत्ता संग्रहण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान समय में 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा है, और इसका संग्रहण मई के माह में किया जाता है, स्पेशली जनजातीय अंचल में किया जाता है। अगर पूरे भारत में देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है प्रमुख राष्ट्रीय वन उत्पाद, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है। तो अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत में कुल तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान 17% है। भारत के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 17% की है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के गौड़ वनोपज में सबसे प्रमुख लघु या गौड़ वनोपज तेंदुपत्ता है, ठीक है। पूरे भारत में अलग अलग जगह में तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है, लेकिन बस्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रजाति की तेंदुपत्ता हमें यहाँ पर प्राप्त होती है, और इसीलिए इसे हरा सोना भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, ठीक। तो ये देखिए, ये है तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए तेंदुपत्ता को इस प्रकार से बंडल में कलेक्ट किया जाता है, और ये देखिए यहाँ पर तेंदुपत्ता के संग्रहण के लिए सभी आदिवासी अंचल में यहाँ पर उसे तैयार किया जा रहा है। देखिए ये है बोरा, इस बोरा में इन सभी बंडल को डाला जाता है। तो इस प्रकार से तेंदुपत्ता के व्यवसाय का कार्य यहाँ पर जनजातीय अंचल में किया जाता है, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेंदुपत्ता, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वनोपज लघु वनोपज के अंतर्गत आता है? यहाँ पर पूछा गया आता है, यहाँ पर 5 वनोपज के नाम दिए गए हैं, बांस, शीशम, तेंदुपत्ता, महुआ और खैर। तो छत्तीसगढ़ में हम देख लेते हैं कि मुख्य वनोपज कौन सा है और लघु वनोपज कौन सा है। तो मुख्य वनोपज के अंतर्गत साल, सागौन, शीशम, साजा, बीजा और खैर, ये छत्तीसगढ़ के मुख्य वनोपज हैं। लघु या गौड़ वनोपज की बात करें तो यहां पर है तेंदुपत्ता, महुआ, इमली, गोंद, लाख, बांस आदि, ये सभी लघु या गौड़ वनोपज के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं लघु वनोपज, बांस, हाँ है बांस, शीशम है क्या? तो ये नहीं है, तेंदुपत्ता भी है, महुआ भी है, खैर है क्या? तो ये भी नहीं है। तो 1, 3 and 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बांस, तेंदुपत्ता और महुआ, ये लघु वनोपज के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्नांकित सूची 1 अभ्यारण्यों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, को सूची 2 यहाँ पर जिलों के नाम दिए गए हैं, इन दोनों को आपको सुमेलित करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ अभ्यारण्य के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जिस जिले में इसे स्थापित किया गया है उसके नाम दिए गए हैं, और आपको इसे मैच करना है कि कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में आता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है,
और 11 अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है। ये तीन राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब इन 11 अभयारण्यों की बात करें तो इनमें से ही ये सभी वन्य जीव अभयारण्य है। चलो मैच करते हैं। पहला है सेमरसोत। सेमरसोत कहाँ है? तो सेमरसोत अभयारण्य बलरामपुर में है। बादलखोल, बादलखोल जशपुर में है। गोमरदा, गोमरदा रायगढ़ में है। और सीता नदी धमतरी में है। देखिए यहाँ पर ना हम CGPSC की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी की जांच के लिए इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर ला रहे हैं जिससे उनकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो सके, या फिर मैं ये कहूँ कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। ठीक है, हम सब कुछ यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसे तो हम यहाँ पर कवर करके रहेंगे और हम ये कह सकते हैं कि CGPSC से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आने की चांसेस 90% की है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ये जो सेमरसोत है ना, अच्छा अभयारण्य का हमने मैथ तो कर लिया, इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर वन का सा, ब का वन का सा, टू का द, टू का द, थ्री का अ और फोर का ब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन क्या हमें अभयारण्य से संबंधित बस इतनी ही जानकारी रखनी है? तो नहीं, हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है। सबसे पहली बात तो सीता नदी, जो सीता नदी धमतरी जिले में स्थित है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ठीक, दूसरी चर्चा, दूसरी चर्चा ये कि बादलखोल इस राज्य की, जो कि जशपुर जिले में स्थित है, इस राज्य की सबसे, इस राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल एरिया है 105 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए सबसे प्राचीन सीता नदी है तो सबसे नया अभयारण्य कौन सा है? नवीनतम अभयारण्य है कबीरधाम जिले के अंतर्गत भोरमदेव। भोरमदेव अभयारण्य की स्थापना 2001 में की गई थी। ठीक है, तो सबसे प्राचीन हमने देख लिया 1974 में इसकी स्थापना की गई थी और नवीनतम अभयारण्य कबीरधाम जिले के अंतर्गत भोरमदेव 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हमने देखा कि बादलखोल, बादलखोल की स्थापना जशपुर जिले में की गई है। देखिए अब इसकी स्थापना कब की गई थी, सवाल यहां से नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो हम देख लेते हैं। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इससे इसका एरिया पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे छोटा अभयारण्य है छत्तीसगढ़ का। 105 स्क्वायर किलोमीटर है इसका टोटल एरिया, तो सबसे बड़ा एरिया किसका है? तो तमोर पिंगला का है। तमोर पिंगला कहाँ है? तो सूरजपुर जिले में है, यहाँ नीलगाय पाई जाती है। ठीक है, और इसका एरिया है 608 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए इनका आपको ईयर याद रखना है, प्राचीन और नवीनतम का। इसका आपको क्षेत्रफल ध्यान में रखना है, सबसे जो स्मॉलेस्ट वन्य जीव अभयारण्य है उसका, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य तमोर पिंगला है उसका। ठीक है, अब हमने इतने की चर्चा कर ली है, जो बाकी बचा है इसे भी देख लेते हैं। गुमरदा, गुमरदा में सोन कुत्ता पाया जाता है और इसकी भी स्थापना 1975 में की गई थी। और सेमरसोत, सेमरसोत की स्थापना 1978 में की गई थी। और अगर हम तमोर पिंगला की बात करें तो इसकी भी स्थापना 1978 में की गई थी। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखना है, सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे नवीनतम कौन सा है, और अगर कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभयारण्य है तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। ठीक, अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में वन भैंसा कृत्रिम गर्भाधान की स्थापना की गई है? मतलब कि ऐसा कौन सा वन्य अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है? तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है बारनवापारा अभयारण्य, इंद्रावती, उदंती और डी भैरमगढ़। भैरमगढ़ कहाँ है? बीजापुर में है, ध्यान में रखिएगा ना, ये बीजापुर में है, ये गरियाबंद में है, इंद्रावती भी बीजापुर में है और बारनवापारा बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत
अभयारण्य ये आता है। ठीक, तो कहां वन भैंसा का कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। वन भैंसा क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम बुबालस बुबालिस है। ठीक है, इसका संरक्षण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार इसकी जनसंख्या कम होती जा रही है और देश में नहीं, राज्य में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है वन भैंसा का। ठीक है, तो ये कहाँ किया जा रहा है? तो उदंती अभयारण्य में किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, उदंती अभयारण्य में किया जा रहा है। जो मादा वन भैंसा है उसका नाम है दीप आशा, नर वन भैंसा का नाम है छोटू। इस छोटू नर वन भैंसे का सिमेन लेकर अंजोरा में स्थित वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक लैब में इसे प्रिजर्व किया जाएगा और उस प्रकार से वन भैंसे का कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, उदंती अभयारण्य में कृत्रिम गर्भाधान का प्रोसेस किया जाना है। ठीक, अब हम आते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, बस्तर जिले के इंद्रावती नदी के तट पर वृक्षारोपण के कार्य के लिए निम्न में से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए, आमचो इंद्रावती कठा लगाऊं बूटा, ऑप्शन बी, आमचो इंद्रावती वृक्षारोपण योजना, ऑप्शन सी, बस्तर वृक्षारोपण योजना, या फिर ऑप्शन डी, पौधा प्रदाय योजना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आमचो इंद्रावती कठा लगाऊं बूटा। ठीक है, ये अभियान वृक्षारोपण के कार्य के लिए बस्तर जिले में चलाया जा रहा है और इंद्रावती नदी के तट पर लगभग 2135.92 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में 82,000 पौधारोपण का कार्य किया जाना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, एक मिनट, हमने एक सवाल सॉल्व नहीं किया, ये पिछला वाला सवाल, ये भी देख लेते हैं। भैंसा धरहा किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, भैंसों का संरक्षण केंद्र, भैंस की एक प्रजाति, झील, या भैंसों से संबंधित कोई योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झील। भैंसा धरहा नाम थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में भैंस पाए जाते हैं या फिर भैंसों के निवास स्थल को भैंसा धरहा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कांगेर नदी में भैंसा धरहा नामक एक झील है। ठीक है, इस झील में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि ये जो भैंसा धरहा है ये एक प्रकार का झील है, कांगेर नदी पर ये झील है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। ठीक है, भैंसा धरहा एक्चुअल में स्थल है। ठीक है, उस क्षेत्र का नाम है भैंसा धरहा और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों को संरक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में दो और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मगरमच्छों को संरक्षित किया जा रहा है। एक तो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत कोटमी सोनार, लेकिन कोटमी सोनार में कृत्रिम रूप से मगरमच्छ को संरक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नारायणपुर जिले में जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी संरक्षित किया जा रहा है। ठीक, तो ये तीन प्लेस आपको ध्यान में रखना है, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र से संबंधित, एक तो भैंसा धरहा, दूसरा जाटलूर नदी और तीसरा कोटमी सुनार। ठीक है, कोटमी सुनार जांजगीर चांपा, जाटलूर नदी नारायणपुर और भैंसा धरहा बस्तर। ठीक, अब हम आते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, निम्न में से किस सब्जी के रोपण के लिए राज्य सरकार के द्वारा जुलाई 2020 में महाअभियान की शुरुआत की गई है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए, आलू, बी, मुनगा, सी, टमाटर और डी, मूली। तो राज्य सरकार ने पौधा रोपण अभियान को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से जोड़कर 6 जुलाई 2020 से
मुनगा रोपण का महाअभियान प्रारंभ किया छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में। ध्यान में रखिएगा कि ये जो पौधा रोपण का अभियान है, इसे राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से जोड़ दिया और इसके तहत राज्य में 6 जुलाई 2020 से मुनगा रोपण महाअभियान प्रारंभ हुआ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में। सभी जिलों में मुनगा का रोपण किया जाना है। सभी शासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, आश्रम, इन सभी क्षेत्रों में मुनगा का रोपण किया जाएगा। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ के निवासियों को क्या मिल सके? सुपोषण मिल सके। मुनगा, मुनगा में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन और औषधि के गुण पाए जाते हैं, इसलिए ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुनगा। तो इस प्रकार से CGPSC प्री में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, अगर आपसे ये सभी क्वेश्चंस बन गए तो डेफिनेटली जो CGPSC प्री में आएंगे वो सवाल भी बन जाएंगे, ठीक है। तो आपकी तैयारी को सही मार्ग दिखाने के लिए इन सभी सवालों का बनना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सभी सवालों को सॉल्व कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित सवालों को हल करेंगे। इसके आगे का जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।